हमीरपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव बहुत जरूरी है और कोरोना महामारी से पॉजिटिव कोई भी आ सकता है, लेकिन आज के समय में शिक्षा से वंचित रहना भी ठीक नहीं है, इसलिए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गहनता से विचार करके ही स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है और 19 अक्टूबर तक EPTM करके बच्चों और अभिभावकों से राय ली जा रही है और उसके बाद ही सरकार स्कूलों के बारे में आगामी विचार बनाए जाएंगे। हमीरपुर के राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अणु में समाज शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया, जबकि इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी ने भी शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने उपस्थित पदाधिकारियों को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए शपथ भी दिलाई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि समाज शास्त्र विभाग के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें देश व विदेश के हजारों लोगों ने भाग लिया है और अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। गोविंद सिंह ठाकुर ने संगोष्ठी के सफल आयोजन पर समाज शास्त्र विभाग को बधाई भी दी। आज सोशियोलॉजी सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज हमीरपुर में एक इंटरनेशनल वेबिनार रखा गया है और इसमें हिमाचल प्रदेश के भी और देश के भी और दुनिया के अनेकों विद्वानों ने अपनी बात को यहाँ पर रखा है और इसी में सोशियोलॉजी के साथ साथ इन्होंने जो हमारी नई शिक्षा नीति है, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके ऊपर भी यानी इन्होंने यहाँ पर एक सिंपोजियम रखा था और उसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और सभी लोग इसमें रहे हैं। प्रदेश के स्कूलों में बोर्ड परीक्षाओं के बच्चों को बुलाने के मामले पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मामले पर बच्चों और अभिभावकों के साथ EPTM करवाई जा रही है और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना बीमारी के चलते धीरे धीरे सारी चीजें अनलॉक हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से सावधानी बरतनी पड़ेगी और आगामी दिनों में जीवन की रक्षा भी करनी है और कोरोना को भी हराना है। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव कोई भी आ सकता है और कोरोना समय विकराल है, इसलिए शिक्षा को वंचित करना भी उचित नहीं है। ये सब बहुत गहनता से विचार करके ही सारी बातों को किया जा रहा है और इसमें अभी तक तो स्कूलों में बच्चों का आना तो प्रारंभ हुआ नहीं है, लेकिन अभी तो हमने ये कहा था कि 10th और प्लस 2 के जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन तब भी पेरेंट्स की लिखित अनुमति के बाद। तो अभी इसमें देखेंगे अभी क्या क्या होता, लेकिन अभी हम सारी की सारी चीज़ों को जनरलाइज तो नहीं कर सकते, कुछ जगह पर ऐसे मामले जरूर आए होंगे, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जान है तो जहान है, बच्चों का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उस सब में भी अभी हम 16, 17, 18, 19 लगातार इसमें EPTM हो रहा है और उसके माध्यम से पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो और उसके मुताबिक हम हर स्कूल के लिए माइक्रो प्लान भी बनाएंगे, तब अगला विचार करेंगे। देखिए पॉजिटिव तो कोई भी आ सकता है, अब आखिरकार ये है कि विरोध, अब पॉजिटिव आना ये हम नहीं कह सकते और अभी जो कोरोना का जो समय ये तो अब इतना यानी कि विकरार है और ये समस्या सबकी है, लेकिन हम किसी को भी ये चिन्हित नहीं कर सकते कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, लेकिन अब ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक भी हो रही हैं, लेकिन सारी के सारी बातों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखना ये भी जिम्मेदारी हमारी है और हमने तो विद्यालय में और महाविद्यालय में भी कहा है कि जब भी बच्चे आएंगे तो आते ही पहले क्लास में मिनट 2 मिनट का प्रतिज्ञा लें कि दिन भर हम कैसे रहेंगे। अब सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन अब आखिरकार कब तक, तो इसलिए हर बात का जो है बहुत गहराई से और इस पर हम कोई भी चीज़ें बहुत जल्दबाजी में कहने में भी नहीं है, लेकिन हमको जीवन की रक्षा भी करनी है और बाकी चीज़ों को भी धीरे धीरे प्रारंभ करना है।